खुदा की बख्शिश, और अंजील का मतलब है खुशखबरी। तो मेरे अजीज, जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं ना कुछ चीज खरीदने के लिए, तो सबसे पहले जिस चीज की हमें जरूरत होती है ना, हम उसका टाइटल देखते हैं। बाजार में हम जाते हैं, जो चीज हमने खरीदनी होती है उसके लिए हम, जो शॉप होती है, जो चीज हमें जरूरत होती है, हम उसको, उसके बारे में देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमने मेडिसिन खरीदनी है तो हम पहले मेडिकल स्टोर देखेंगे या फार्मेसी देखेंगे, और फिर हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर मेडिसिन मिलेगी, यदि कि जो उसकी बरौनी साफ है या जो कुछ उसके ऊपर लिखा है उसका टाइटल है, वो उसकी अंदरूनी हालत को बयान करता है कि इसके अंदर क्या है। जो बाहर लिखा होता है वो उसके अंदर वाले हिस्से के बारे में बताता है कि उसके अंदर क्या है। तो पता चलता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है पता चलता है। यानी कि फिर हमें जो हमारी जरूरत होती है, जो चीज हमें दरकार होती है, जिस चीज को हमने खरीदना होता है, जो हमारी जरूरत की होती है, उसके बारे में हमें पता चलता है कि ये जरूरत हमारी यहां से पूरी हो जाएगी। तो फिर हम उस शॉप के अंदर या जो भी दुकान होती है, मार्केट होती है, हम उसमें दाखिल हो जाते हैं और फिर हमारी जरूरत है जो है वहां पूरी हो जाती है। तो इसी तरह मत्ती की अंजील, और मत्ती का मतलब क्या बताया, खुदा की बख्शिश, और अंजील का मतलब खुशखबरी। यानी कि ये हमें बताती है कि इसके अंदर खुदा की बख्शिश की खुशखबरी हमें मिलेगी। और बख्शिश जो है, बख्शिश किसे कहते हैं, वो चीज जो हमें फ्री में मिल जाए, वो चीज जो हमें फ्री में मिल जाए, इसके लिए ना हमने मेहनत की है, ना हमने पैसा दिया है, ना उसके मुतबादल में हमने कोई चीज दी है, जो बिल्कुल फ्री मिल जाए उसको बख्शिश कहते हैं। तो इसके अंदर खुदा की बख्शिश के बारे में बताया गया है कि इंसान को किस तरह खुदा की बख्शिश के सब से इंसान को निजात मिलती है। तो मेरे अजीज, आज खूबसूरत दावत हमारे सामने की गई, इसमें मेरे और आपके मसीहा ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नमक हो। और आगे लिखा है कि नमक का मजा चाहता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। यानी कि ये तमसील के साथ बात की गई है, और जब किसी की मिसाल देकर बात की जाती है तो वो हूबहू उस तरह का नहीं होता, बल्कि उसकी कुछ खसूसियात जो है उसके अंदर पाई जाती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारा ये बेटा शेर है, तो ये हरगज मतलब नहीं होता कि वो दरिंदा है, जानदार है, या उसके चार पांव हैं, यानी कि उसकी एक सिफत है कि दृढ़ इसके अंदर उस कदर है। यानी कि यहां जो तुम जमीन के नमक हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थर है। नमक की जो खसूसियात है वो हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। तो नमक जो है ये पत्थर होता है, लेकिन जब इसको पानी के अंदर रखा जाता है तो ये उसमें हल हो जाता है पत्थर, लेकिन ये दूसरे पत्थरों की तरह नहीं है, बल्कि ये हल हो जाता है, ये अपनी आकर छोड़ देता है। असी है नमक का, पर सारी जिंदगी अपनी आकर नहीं छोड़ते, किसी के साथ हल नहीं होते, किसी के साथ मिलते नहीं है ये नमक। लेकिन नमक की पहली सिफत मैंने बताई कि वो हल हो जाता है, लेकिन याद रखने वाली बात है कि पानी के अंदर हल हो जाता है लेकिन जायका अपना बरकरार रखता है, जायका अपना नहीं छोड़ता।
हम पहली तो बात हल नहीं होते, अगर हल हो जाते हैं तो हम अपना जायका छोड़ देते हैं, उनका टेस्ट हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है, ना कि हमारा टेस्ट उनकी जिंदगी के अंदर ट्रांसफर होता है। हम नमक है और हमने हल होना है, और हमारा जायका जो है, हमारा टेस्ट जो है, ये दूसरों तक पहुंचे, और हमने अपना जायका नहीं छोड़ना। जो खुदा की बख्शिश का मजा हमने चख लिया है, ये दूसरों के बारे में दूसरों को बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। बाशुकात ये होता है कि बंदा बड़ा ईमानदार है, बंदा बड़ा रूहानी है, चर्च में वर्शिप करता है, चर्च में क्लाउड चुराता है, मीटिंग प्रेजाइड करता है, लेकिन जब कोई ऐसी हालत आती है तो शादी के खुशे नाल पहले उन्हें चढ़ जाता है, खुशे नाल पहले तो जो शराबिया नहीं महफिल च बैठा हो पहले उन्हें टैक्स चुका होता है। बंदा ठीक है लेकिन हल होना है, लेकिन टेस्ट अपना नहीं छोड़ना, जायका अपना नहीं छोड़ना। हम हल होते हैं और जायका भी उनका अपने ऊपर ले लेते हैं। ओ जाने से दरबार से मैं भी गड्डी से चढ़ गया, मैं कहा चलो मैं भी हुआ वहां, और मुंडिया का नाम पास नहीं कर गया। आपका क्या है वहां जाना, आपका काम चर्च में है, आप खुदा की लोग हैं, आपका इबादत के साथ सरोकार है, आपका खुदा के कलाम की दावेदारी और वफादारी में वक्त गुजरना चाहिए। तो हल होते हैं लेकिन टेस्ट छोड़ देते हैं। अगर एक बाल्टी पानी की हो क्या भी और एक किलो नमक सोट दिए, एक किलो चीनी सोट दिए, पानी किस तरह बनेगा? नमकीन है चीनी लेकिन जायका अपना नहीं छोड़ता। तुम जमीन के नमक हो, आपने हल होना है लेकिन जायका कभी भी अपना नहीं छोड़ना। नमक की और बहुत सी खसूसियात है। नमक जो है ये कड़वाहट को खत्म करता है, नमक जो कड़वाहट को खत्म करता है। जो अचार बनती है ना बीबियां, मर्चा काट के नमक भर दी है, एक मर्च कौड़ी तो नमक भी ते फिर तुक्का जो भर कर दिया है, ऐसा ही है चमचे नाल पूरी हांडी चाहिए ना एक मर्च चमचे नाल। लेकिन जब उसको कुछ देर के लिए रखा जाता है तो जब उसका पानी निकलता है, यानी कि नमक जो है ये उस कड़वाहट को दूर कर देता, खत्म कर देता है, और फिर वो खाने के काबिल हो जाती है। यानी कि अगर आप नमक हैं तो आपने लोगों की जिंदगियों की कड़वाहट को खत्म करना है, और वे नमक तो जनाब जिंदगी जनाब सारी उन्होंने वक्र वक्र किया हो सारा लड़ाई होगी है किसी को कट्ठा रह करवाहट को आपने खत्म करना है। और नमक जो है ये अपने कमी का एहसास दिलाता है, नमक अपनी कमी का एहसास दिलाता है। अगर आप यानी कि जब हंडिया बनाते हैं सारे मसाले डाल दें, अगर नमक नहीं डाला तो फिर वो बेकार है। नमक नहीं दे आपने पहला वो नवाला लिया फर नमक का है, यानी कि नमक अपनी यानी कि कमी का एहसास दिलाता है। आप नमक हैं, आप जहां रहें आपकी जिंदगी इस तरह खूबसूरत हो कि लोग आपकी कमी को महसूस करें, आपकी कमी को महसूस करें कि बंदा अच्छा था, उसकी जिंदगी अच्छी थी, उसकी हालत अच्छी थी, वो खुदा के साथ चुना हुआ था, वो खुदा की दावेदारी और वफादारी में बढ़ रहा था, वो खुदा के कलाम के बारे में लोगों को बताता था, वो खुदा के बारे में लोगों को बताता था। आपकी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। हो नमक तो चल चलते लोग पूछा चंगा है जान छुपिए, ये नमक नहीं है। नमक अपनी कमी का एहसास दिलाता है। नमक कीड़ा नहीं बनता, नमक च कीड़ा नहीं पैदा। नमक जो है कोशिश की सिफात है, लेकिन ये बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं आज शाम जो हम सीख रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नमक हो,
और अगर नमक का मजा जाता रहे, अगर नमक का हम नमक है और हमारा मजा जाता रहे, हमारी जिंदगी में से यीशु निकल जाए, हम रूहानी ना रहे, हम खुदा के साथ जुड़े हुए ना हो, हम खुदा की ताबेदारी करने वाले ना हो, तो मेरे अजीज फिर हमें कौन जो है वो समझाएगा, क्योंकि हमें कौमों के उस्ताद बनाकर भेजा गया है। जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, हमें उस्ताद मुकर्रर किया गया है। अगर उस्ताद को कुछ नहीं आता तो फिर कौन सिखाएगा? उस्तादों का यह हाल होगा। लेकिन नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? अगर नमक के अंदर मजा नहीं है, टेस्ट नहीं है, आपकी जिंदगी ऐसी है, आपकी जिंदगी घरानी है, आपके काम बुरे हैं, आपकी फैलोशिप बुरी है, आपकी रिफाकत बुरी है, आपके अल्फाज बुरे हैं, आपका उठना बैठना खाना पीना देखना चलना बुरा है, तो फिर कौन है जो आपको समझाएगा? आप तो खुदा के लोग हैं, आप तो शाही कहने का फिरका है, आप तो मुकद्दस लोग हैं, आप तो चुने हुए लोग हैं, आप उसके घराने के लोग हैं, आपको तो अलग किया गया है, आपके लिए तो खून बहाया गया है, आपके लिए तो शरीर का दुख सहा गया है। अगर आपकी हालत यह है तो फिर आपको कौन समझाने वाला है? अगर नमक का मजा जाता रहे तो वह किस चीज से नमकीन किया जाएगा? कौन सी चीज है जो हमें देगी? फिर लिखा है फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रोता जाए। तो बाइबल में इसके अंदर लिखा है कि तू ना सर्द है ना गर्म बल्कि नीम गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को ऐसी हालत है कि वो फेंका जाए रद्द किया जाए और आदमियों के पांव के नीचे रोता जाए। तो फिर जब ऐसी हालत हो जाती है, जब रद्द कर देता है, जब खुदा हमें छोड़ देता है, तो फिर हम पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, किस किस जगह पर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बहाने क्या क्या तरीके ढूंढते हैं, फिर गैर माबूदों के पीछे जाते हैं और फिर कहते पता नहीं क्या हो गया है, घर अच्छा बसर अच्छा तरीके से चल रहा था, अच्छा गुजारा हो रहा था, रौनक थी, रहल पहल थी पैसे की, लेकिन पता नहीं हालात डाउन तक डाउन होते चले जा रहे हैं, परेशानियां फटती चली जा रही हैं। यह पता नहीं कि आपका नमक का मजा जाता रहा है और आपको रद्द किया गया है और अब आप पांव के नीचे रोने वाले हैं। खुदा ने छोड़ दिया है और खुदा के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। आदमियों के हाथ से खुदा छुड़ा सकता है, खुदा सफलता दे सकता है, खुदा बहाल कर सकता है, लेकिन खुदा के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज उसने हमें नमक बनाया है। तुम जमीन का नमक हो, तुमने लोगों की जिंदगी के अंदर टेस्ट को पैदा करना है, तुमने लोगों की जिंदगी के अंदर मोहब्बत को पैदा करना है, तुमने लोगों की जिंदगी के अंदर जो वासर है जाहिर है उसको निकालना है, तुमने ऐसी बातें करनी है, तुम्हारा कलाम तुम्हारी बातें ऐसी हो कि लोगों के अंदर सुला हो जाए, शेरा हो, आप जाए तो लोग लड़ना शुरू हो जाए, आपके जाने के बाद ऐसी हालत हो जाए। यानी कि ये लिखा है कि सदा इसके भी बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रोता जाए। हम में से कोई ऐसा ना हो, हम जमीन के नमक बने, हम अपनी भी जिंदगी में टेस्ट पैदा करें और दूसरों की जिंदगी के अंदर भी टेस्ट पैदा करें, फिर हम नमक हैं, फिर हम नमक हैं और फिर जमीन के नमक हैं। और फिर पहली बात हमने सीखी कि नमक जो है हल हो जाता है, नमक जो है पत्थर है पत्थर, लेकिन दूसरे पत्थरों से फर्क यह है कि यह पत्थर हल हो जाता है। अच्छी सारी जिंदगी खाली नहीं दे आकड़े निशाने। दूसरी बात हमने यह सीखी कि हल हो जाता है लेकिन टेस्ट अपना बरकरार रखता है, पानी के अंदर वो अपनी शराब खो देता है लेकिन अपना टेस्ट नहीं खोता। हमने भी दूसरे लोगों के साथ मिलना है, दूसरे लोगों के पास जाना है, गैर ईमानदारों के पास जाना है, जो रूहानी नहीं उनके पास जाना है,
लेकिन उनका टेस्ट अपनी जिंदगी में नहीं लेना, बल्कि अपना टेस्ट यीशु की गवाही उनको देनी है, यीशु के कलाम के बारे में उनको बताना है, जो हमारी जिंदगी के अंदर मर्चा हुआ है, बरकत जारी हुई है, ये बरकत के बारे दूसरों को बताना है। तो फिर हम नमक हैं, और फिर यीशु मसीह का ये कलाम जो लिखा गया है ये फिर पूरा होगा। ये पूरा हमने करना है, ये नमक हमने बनना है, ये नमक की तासीर हमने अपने अंदर पैदा करनी है। तो मेरे आशीष, बहुत सी बातें हैं नमक के तलक से करते चले जाए। नमक कीड़ा नहीं पड़ने देता, खालू महफूज करना हो इन नमक लाकर रख देने, कीड़ा नहीं पड़ने देता, कल्ले ही देता, कीड़ा नहीं पड़ने देता। ये मिर्चों के अंदर जब अचार डालते शुद्ध डालते ये उसको खराब नहीं होने देता, और फिर उसका जो कड़वाहट होती है वो दूर करता है। नमक का काम है कड़वाहट को दूर करना। ये ना हो नमक, लेकिन जनाब लोगों ने जिंदगी बर्बाद की थी, कड़वाहट को पैदा ना करें, बल्कि नमक हकीकी नमक बने, वो नमक बने जो खालिश है। तो फिर यीशु मसीह का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर पूरा होगा, और फिर आप बाबरकत होंगे। खुदा के सुराम के सर से हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन।